आओ तो जल्दी दिखाई ना बड़े हाथ का। अरे अभी सब कुछ दिखाता हूँ, ये देखो। ए, ये देखो, ये है साड़ी। बड़ी प्यारी है, सादा और दिलकश, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसमें क्या हाथ था? इसमें है। अच्छा आंखें बंद करो। नहीं नहीं आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो। आंखें नहीं खोलना। हाँ देखो आंखें नहीं खोलना। ये देखो। हाय कितना प्यारा है। कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो लाली जी, कितनी जल्दी खुश हो जाती हो। पैर टूट गया, लंगड़ा हो गया, फेंक दो इसे। हाय छोड़ो लाली, लंगड़ा हो गया था। मुझे अच्छा लगता था इसका लंगड़ा पैर। हम नहीं चाहते कि तुम उस गैर जिम्मेदार लड़के से मिलो। तुम्हारे भले की खातिर नहीं चाहते लाली, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं चाहते। आप मेरा भला चाहते हैं क्यों? मुझे मोहब्बत की जंजीरें पिना रखी है, किस लिए? किस लिए मुझे संदेह कुएं में डाल रखा है? क्यों क्यों? किस लिए? किस लिए? क्यों मैंने उसे मोहब्बत की जंजीरें पहना रखी हैं? किस लिए? मुझे क्या पता किस लिए। तू बोल गुड्डी, तुझे पता होगा। नहीं किसी को पता नहीं। मेरा भला क्या है? मेरा भला अंधा कुआं। ये तुम्हें क्या हो गया है लाली? मैं डर गई, मैं फिर डर गई बड़े खान साहब। मुझे कादर वो अंधा कुआं। ये तुम्हारा घर है और यहाँ सिर्फ मोहब्बत है तुम्हारे लिए। आदाब कादर मामा। चीती रहो बेटी, माफ कीजिएगा बहुत देर हो गई। आओ चीनी, मेरी बहन को तुम्हारा नाच देखने का बहुत शौक था।
पुचक झिझकत अखियां मटकत चंदा से लजात कमली चांदनी सी सोई सिमटी दांत जैसे लाजवंती जाने बदला तू क्या सुधाई खटाक मन में तरंग आई उमड़ के उठी घुमड़ के छाई चमकी दामनी लड़की कामनी सरर सरर सर खड़ी एकली पिया बिना घबराई खटाने और की ये झिकाई चुपके से कभी हा को बुलाई बोली पिया पिया की सिखाई जो बिन माधवी तो सुनाई पापी ददरवा बुलावे रे पापी ददरवा बुलावे रे पापी ददरमा बुलावे रे पापी ददरमा बुलावे रे पापी ददरवा 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 बुलावे मोरे पिया की सुदुलाई कोयलिया सबद सुनावे पापी ददरवा बुलाए जो जो बूंद पड़े बरखा के जो जो बूंद पड़े बरखा के तू तू अगन दहे बिरहा के बिजली चमके तनावे रे पापी ददरवा बुलाए पापी ददरवा पपी ददरवा बुला चम धमनिया
सजत घुंघरू झन रन 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 सुन पिया रंग परत संपन सं करदान दादा करदान दादा करदान दादा सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई कमाल कर दिया छिमी। अरे ये प्रोफेसर साहब किधर चले गए? शायद जाने में गए होंगे। राशा तुमने तो कहा था ये बहुत चार्मिंग आदमी है, इन्होंने तो इतना अच्छा नाच भी नहीं देखा। मैं जरा बदनसीब वाकई हुआ हूँ मिस खान, जिंदगी की तमाम नेमतों से हमेशा महरूम रहा हूँ, मगर चाय अच्छी बनाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। आपने नाहक तकलीफ उठाई, आपके पैर को क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक हादसा हो गया था बचपन में। छोड़ो लैला। लैला जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका नाम लैला है क्या? जी क्यों? इस नाम का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है, माफ कीजिएगा मिस खान। अरे भागो की डूब जाएगा। अरे ठहरे इधर आओ। अरे पागल। अरे अरे कोई सुन लेगा। आप क्यों बोलते? एक इंजेक्शन रोजाना, दिमागी सुकून।
बेहोशी की दवाइयां। बेहोशी भी कितनी बड़ी नेमत है। बेहोशी में आदमी नहीं चलता अपनी दबी हुई आरजू की तरफ। मेरी कोई दबी हुई आरजू नहीं। खान साहब, आज बहुत सोए आप, मजे की नींद सोए।
हाँ लाली, मगर तुम क्यों आई यहाँ? जी चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। ठहरो, तुम अपने भाई को मिल सकती हो, जब चाहो लाली। चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। आओ बख्तू। अब्बा मेरी समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। अच्छा है ना समझो तुम, मैंने रात बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें लाली को हर हाल में खुश रखना चाहिए। बेशक अब्बा, इसीलिए मैंने उसे भाई से मिलने की इजाजत दे दी है और मैंने फैसला किया है कि अपने तमाम फरीजे पूरे कर लूं और फिर हज को चला जाऊं सच्चे मौला के हुजूर में। और मैंने यह भी फैसला किया है कि तुम्हारी निस्बत तय कर दूं। घर की बेटी है माशाल्लाह। कौन घर की बेटी है अब्बा? क्या मतलब, घर की बेटी को नहीं जानते? अंधे हो या वैसे बेहयाई पर उतर आए हो? बेहयाई की बात नहीं है अब्बा, मोहब्बत के बगैर शादी एक रोग है, मैं नहीं मानता। क्या है मोहब्बत? बेचारगी, शिकस्त, जिल्लत, क्या मोहब्बत खुद एक रोग नहीं? मोहब्बत, ये तुम्हारे मानने न मानने की बात नहीं, ये मेरे मानने की बात है। इस खानदान के बच्चे सादतमंद होते हैं बख्तू। दरिया छाई
मैं तो कुछ खा के सो रहूंगी बस्तु। क्या समझती हो तुम, कमजोर समझती हो मुझे? कह दिया है कि कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता, और खबरदार जो आईंदा तुमने तकलीफ है। गधी हो खुदा की। चलो मुझे बाहर ले चलो। अरे तुम ठहरो तो सही। ओहो में बख्तू, जहां हरी हरी घास होती है, फूल खिलते हैं, आबशारें गुनगुनाती हैं बख्तू, मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। गलियां हो जान सुनजियां। बख्तू ये क्या बदतमीजी है भाई? साहिबा कहती है कि ये गलियां सुनसान हो जाएं और उनमें सिर्फ मिर्जा यार फिरे। तुम भी तो यही कहती हो ना? सारा मूड ही खराब कर दो। अच्छा तो चलो भाग चलो। तुम जैसे नाकारों के साथ। नाकारा ही सही, तुम कमा कर लाना, मैं बर्तन मांजा करूंगा। मुंह तो कभी धोया नहीं, बर्तन क्या मांजोगे? मुंह भी तुम्हें धुला दिया करना। ये तो अपनी लैला से कहना। अरे अरे ओहो, औरत पर रकाबत खत्म है। लैला को मैं अपनी बहन की तरह समझता हूँ।
लेकिन वो तो तुम्हें भाई नहीं समझती। मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन मेरा दिल तो डरता है ना बख्तो, अगर ऐसा हो। तुम तो मेरे खून में रची हुई हो राजू, मैं सिर्फ तुम्हारा। या अल्लाह बख्तू, तुम तो बिल्कुल बेहोश हो। या अल्लाह, ये कैसा बुखार है? इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये तुम बेहोश हो, आज मैं तुमसे खूब बातें करूंगी, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मेरा हाथ लगते ही तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, मगर मेरे दिल में जो आग भड़क रही है वो कैसे ठंडी होगी बख्तू? मुझसे कभी दिल की बातें नहीं करते, शायद मेरा दिल तोड़कर खुश होते हो। तोड़ लो, मगर कब तक? अब तो तुम मेरे हो चुके हो। बेवकूफ मत बनो लैला, दिल विल की बात छोड़ो। क्यों छोड़ू? मेरा दिल कोई मिट्टी का बना हुआ है? जवाब तो दो, आंखें तो उठाओ जरा। तुम बेकार वक्त जाया कर रही हो लैला। वक्त? जब मैंने जिंदगी तुम्हारे कदमों में डाल दी है तो वक्त क्या है बख्तू? तुमने वो सिजदे भी नहीं गिने जो छुप छुप कर मैंने तुम्हारी चौखट पर सजाए हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं लैला, इन फजूल बातों का क्या जवाब हो सकता है? बात तो सुनो बख्तू, बात तो सुनो। मतलब यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यही मतलब है ना तुम्हारा? बोलो। अच्छा, तुम मुझसे प्यार ना करो, मगर मुझे अपने करीब रहने दो। मुझे वो हवा के झोंके अपने गालों से मल लें दो जिसमें तुम सांस लेते हो। देखो, मैं जिंदगी से कुछ नहीं मांगती, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते?